वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस इसीलिए लोग कोर्ट कचहरी के पछड़ों से दूर रहना चाहते हैं। वजह है मामलों का पेंडिंग होना, सुनवाई में देरी होना। इसी समस्या को कम करने के लिए कानून ने ट्रिब्यूनल्स बनाए, लेकिन अब ये भी विवादों में घिरे हुए हैं। पहले ताज़ा मामला क्या है वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। सरकार ट्रिब्यूनल के रिक्त स्थानों पर अपॉइंटमेंट न करके ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बना रही है। कई ट्रिब्यूनल तो बंद होने की कगार पर है। हम इन हालातों से बेहद नाखुश हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये नाराजगी इसीलिए जताई है क्योंकि देश भर के ट्रिब्यूनल्स में 240 सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। सोचिए, अगर इन पदों पर नियुक्ति हो जाए तो पेंडिंग केसेस कम होंगे और जो केसेस सालों से अटके हुए हैं उन पर जल्द ही फैसला आ सकेगा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अब हमारे पास केवल तीन विकल्प बचते हैं। पहला ये कि हम कानून पर ही रोक लगा दें, दूसरा ये कि हम ट्रिब्यूनल बंद कर दें और सारे अधिकार कोर्ट को सौंप दें, तीसरा ये कि हम खुद ही मेंबर्स अपॉइंट कर लें। ये तो हुआ हालिया मामला। अब थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने वाली बात करते हैं कि आखिर ये ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं और ये कोर्ट से कितने अलग होते हैं। ट्रिब्यूनल्स को कुछ खास विषय से जुड़े मामलों को देखने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि विवादों का निपटारा करना, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करना। और इनको बनाने के पीछे का मकसद बस इतना है कि कोर्ट का बोझ कम हो, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में फैसले भी जल्द लिए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स में एक जुडिशियल मेंबर होता है और टेक्निकल या एक्सपर्ट मेंबर होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट को किसी एक विषय पर बारीक जानकारी नहीं होती, ऐसे में ट्रिब्यूनल सामने आते हैं। किसी एक विषय जैसे कि टैक्स से जुड़े मसलों के लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, पर्यावरण से जुड़े मसलों के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये जो विवाद चल रहा है उसके पीछे का एक सच आप भी देखिए। स्क्रीन पर दिख रही ये लिस्ट इस बात का प्रमाण है कि देश में 15 ट्रिब्यूनल्स में 240 पद रिक्त पड़े हैं, और ये लिस्ट इस बात का प्रमाण देती है कि जुलाई 2021 तक ट्रिब्यूनल कोर्ट में कितने मामले अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। न्याय पाने के लिए आम आदमी के पास सिर्फ और सिर्फ अदालत का ही सहारा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस अदालत से वो न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है उसे खुद न्यायाधीशों का इंतजार है। ये इंतजार कब खत्म होगा इसका जवाब तो सिर्फ केंद्र सरकार ही दे सकती है। फिलहाल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी है। अब देखना ये होगा कि इन ट्रिब्यूनल्स की खाली सीट्स पर कब तक नियुक्ति होगी और इन ट्रिब्यूनल से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे आम आदमी को कब न्याय मिलेगा।